हम हैं फिलहाल गणेश बुक स्टॉल में जो है भेलूपुरा में स्थित, और यहाँ से बहुतों ने अपना बचपन बहुत ही अच्छी तरह जिया है। और इस दुकान पे हम लोग देख रहे हैं कि इनका अकूत संग्रह है किताबों का। ये लाइब्रेरी सिस्टम में भी एक समय में प्रख्यात थे तथा भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में बनारस के क्षेत्र में इनका एक बड़ा योगदान था। हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं बुक स्टॉल के प्रोप्राइटर राजेश जी से। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गणेश बुक स्टॉल और हम बात करेंगे राजेश भैया से और पता करेंगे इनकी क्या राय है फिलहाल भारतीय कॉमिक्स उद्योग के प्रति। सो राजेश भैया, सर्वप्रथम आपका जो है कॉमिक्स एन यू के सीज़न 2 में आपका स्वागत है। मैं, जैसे आपको पता है, हम तो आप ही के दुकान से पढ़ के बड़े हुए हैं और फिलहाल हम जो है शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं PhD, और हमारी जो रिसर्च का जो टॉपिक है वो है भारतीय कॉमिक्स उद्योग। तो अब भारतीय कॉमिक्स उद्योग पे बात करें और कहीं ना कहीं आपका जिक्र ना हो, आपकी दुकान का जिक्र ना हो हमारे PhD में, तो ये तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम जो है आज आपसे बात करने आए हैं और पता करने आए हैं। सबसे पहले मैंने अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि गणेश बुक स्टॉल जो है यह 80 के दशकों से पहले से है, करीब सन 81 से है शायद ये दुकान, 71 से है। तो फिर जब कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स में भारतीयता का जब तक प्रचलन शुरू नहीं हुआ था, तब से गणेश बुक स्टॉल जो है अपना अस्तित्व तब से बनाए हुए है। तो ये कुछ कॉमिक्स पब्लिशर के भी पुरोधा हैं कॉमिक्स बेचने के चक्कर में और किताबें बेचने के चक्कर में। तो हम इनसे अभी ये बात करने वाले हैं। तो राजेश भैया, हमें पहले ये बताइए कि आपको फिलहाल कैसा समझ में आता है, कॉमिक्स बिकती हैं, मिलती हैं आपकी दुकान पर? एकदम है, कॉमिक्स तो आई है, लेकिन कॉमिक्स न मिल पाने के कारण अब धीरे धीरे मार्केट कॉमिक्स का एकदम एक तो है, या फिर आप उसको कह लीजिए मोबाइल और ये सब चीज़ों के कारण, या फिर कह लीजिए कि बड़ी बड़ी जैसे राज कॉमिक्स है, मनोज कॉमिक्स है, इन लोगों ने पब्लिश करना बंद कर दिया था। इस कारण बच्चों को थोड़ा छूटने का बहुत बड़ा कारण ये है। तो कॉमिक्स की उपलब्धता सही समय पे नहीं मिलने के कारण जो है ये आदत कहीं ना कहीं छूट सी गई है। कॉमिक्स पढ़ने में जो आई कमी है उसका कारण ये भी है कि सही समय पे, सही अंतराल पे कॉमिक्स नहीं मिलने के कारण ये हुई है। राजेश भैया, हम आपसे ये पता करना चाहेंगे कि क्या कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स जो हम बात करते हैं, जैसे हमारे जो किरदार हो गए, नागराज हो गया, बाज हो गया, हवलदार, बहादुर, अंगारा, जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, क्या आज के बच्चे और जो भी आपकी दुकान से फिलहाल जो भी किताबें वगैरह खरीदते हैं, क्या उनको कुछ भी पता है, आपको ऐसा लगता है? करंट टाइम में तो बच्चों को तो नहीं पता है। तो इसका क्या कारण है, आप क्या समझते हैं? है ही नहीं बाजार में, तो हम बताएं क्या उनको। तो ऑफलाइन मार्केट में कॉमिक्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है कारण है कॉमिक्स नहीं मिलने का। तो हम बात कर रहे हैं गणेश बुक स्टॉल में, अब हम आगे बात करेंगे। अभी के दौर में भारतीय कॉमिक्स का जो वर्चस्व खत्म हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, इसके लिए एक बुकसेलर क्या कर सकता है? राजेश भैया, हमको समय समय पर कॉमिक्स मिले तो हम उसको बच्चों को देंगे। बच्चे आजकल आते हैं, क्या भैया कॉमिक्स है? नहीं यार, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कॉमिक्स जब हमको समय पर मिलेगा, आप लोग अरेंज कराएंगे या फिर कंपनियाँ अरेंज कराएंगी, तो हम लड़के को देंगे, बच्चों को देंगे। तो इससे क्या है, उनका मोबाइल का देखिए सबसे बड़ा आदत है। अगर बच्चों को मैं कॉमिक्स हाथ में देता हूँ, मोबाइल, जितने भी पेरेंट्स आज आप लोगों की वजह से प्लेटफॉर्म मिला बोलने के लिए, जी बोलिए, आज जितने भी प्लेटफॉर्म है ये इस टाइप के हैं, कॉमिक्स है और जितने भी आपके ऑफलाइन जितने भी चीज़ें बच्चों के लिए हैं, सारी धीरे धीरे करीब बंद होती चली जा रही हैं। किसके कारण हो रहा है ये चीज़? या तो ये पब्लिशर के कारण हो रहा है, या तो अब लोग सारे तरीके से ऑनलाइन अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, जो भी करना है ऑनलाइन क्लासेस हो जा रहे हैं, ऑनलाइन ये हो जा रहे हैं, ऑनलाइन वो हो जा रहे हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जा रही हैं। तो बच्चों के हाथ में है क्या, मोबाइल? राजेश भैया ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। इन्होंने कहा है कि तकनीकी विकास की वजह से आज का युग, स्पेशली कोविड टाइम के बाद से, सारे बच्चों का जो ओरिएंटेशन है, मनोभाव है और उनका जो रुझान है,
वह तकनीकी विकास की तरफ चला गया है। सारे बच्चों के हाथ में करीब करीब अभी गैजेट्स हैं, डिजिटल उपकरण हैं, जिनकी मदद से वो जो है इंटरनेट की सेवा से वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका जहाँ तक सुखद अनुभव है, कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव भी जीवन पर है। शारीरिक दिक्कत होती है, आँखों में जलन होती है। हमने पिछले कुछ दिनों में बात करी थी कुछ बच्चों से, हमें पता चला था कि उनकी आँखों में जलन होती है और वो खुद उन्होंने ये स्वीकारा कि आँखों में जलन उनकी मोबाइल देखने की वजह से होती है। हम किसी भी माध्यम का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें यह पता करना है और हमें यह समझना चाहिए कि अति किसी चीज़ की भली नहीं होती। चाहे आप अति किसी भी तकनीक का आप इस्तेमाल कर लें, हर चीज़ को अगर आप सुगम्य तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, वही आपका जीवन निर्वाह करने में आपको आगे बढ़ाएगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमें यह भूलना नहीं चाहिए। हम राजेश भैया से पूछेंगे कि वर्तमान समय में जैसे आप अभी हमने, अरे हाँ मैं तो बताना ही भूल गया आपको, कॉमिक्स एंड यू के सीज़न 2 में हमने जो ऑफलाइन मार्केट डेवलप करने का ड्राइव शुरू किया है, उसमें राजेश भैया ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और ये जो हैं फ़िलहाल अपनी दुकान में कॉमिक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो भी भाई मित्र बंधु और व्यवसायी बंधु हमारा ये शो देख रहे हैं, वो इस बारे में आगे आएँ, अपनी दुकानों में कॉमिक्स मुहैया कराएँ, तथा वही दौर हम दोबारा लौट कर लाना चाहते हैं। हम राजेश भैया से बात करेंगे लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में। एक समय पे कॉमिक्स भाड़े पे चला के यहीं पे बैठ के मैं भी कॉमिक्स पढ़ा करता था, तो वो क्या वक्त था, अभी अगर वैसा वक्त अगर वापस ला सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। राजेश भैया, सबसे पहले तो आजकल के जितने भी हैं गैजेट वगैरह, ठीक है, मैं ज़रूरी हो गया, आजकल हर आदमी का एक अंग हो गया है, लेकिन क्या उससे भी हट के कुछ होना चाहिए? 24 आवर ओनली मोबाइल, ओनली मोबाइल, ओनली मोबाइल, 24 आवर तो नहीं चलना चाहिए। आपका जो वर्क है उसको आप मोबाइल पे कर लीजिए। ये ऑफलाइन ये कॉमिक्स है, ये कॉमिक्स को तो भी कुछ करिए, इसका भी कुछ करिए, हम लोगों के लिए कुछ करिए, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करिए। तुम बच्चों को ही मोबाइल दे दे कि आप 2 साल का बच्चा हुआ चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिए, अब वो बच्चा आगे क्या करेगा? जब भी खाना खाने बैठता है, 4 साल की बिटिया है, जब भी खाना खाने बैठती है 1 घंटे के लिए मोबाइल दो तब खाना खाएंगे, किसको आप बिगाड़ रहे हो? आप अपने आप को सोच रहे हो, सुधार रहे हैं, हर जगह ये हो गया वो हो गया, दोस्त दोगे खाली, लेकिन इसको भी तो मौका दीजिए सरवाइव करने का। हम कह रहे हैं नहीं चला पा रहे हो, लेकिन एक चीज़ तो लेके जाओ, एक चंपक लेके जाओ, एक बच्चों का कोई भी चीज़ लेके जाओ। खेल खिलौना तो घर में बहुत सारे तमाम है, एक बार पढ़ने का मौका तो दो, आदत तो दो। ABCD पढ़ा रहे हो, ABCD से डायरेक्ट मोबाइल थमा दे रहे हो, तो ये सब कब तक चलेगा? एक ज्वलंत मुद्दा राजेश भैया ने उठाया है। जो भी पेरेंट्स अभी इस शो को देख रहे हैं कॉमिक्स इन यू के सीज़न 2 में, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों का भविष्य संवारें, उनको हर तरीके से आगे लाने में मदद करें, तथा उनका जो चहुमुखी विकास है, बहुमुखी विकास में पढ़ना लिखना, एकाग्रचित्तता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक विश्लेषण और भी बहुत सारे फायदे हैं जो हमें कॉमिक्स पढ़ के या पढ़ के मिलते हैं। अगर आपको कॉमिक्स अगर आपको नहीं समझ में आता है, मेरी शोध कॉमिक्स पे चल रही है, इसीलिए मैं कॉमिक्स को प्रमोट कर रहा हूँ। हालांकि मैं किसी भी तरह के माध्यम का विरोधी नहीं हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है कि मेरे बच्चे को अगर किताब पढ़ के आसानी होती है, अच्छा होता है, आप किताब पढ़ाइए। अगर वो बच्चा छोटा है और उसको अभी भी अक्षरों की पहचान नहीं है, तो आप उसे कॉमिक्स दीजिए, क्योंकि कॉमिक्स की वजह से वो जो है चित्रों को देखेगा और चित्रों को देख के उसमें उसकी रुचि जागेगी। अरे आपका बच्चा 4 घंटे मोबाइल देखता है, 1 भी घंटा अगर कॉमिक्स पढ़ता है उस 4 घंटे में से, तो 4 घंटे में से 1 घंटा उसका स्क्रीन टाइम कम हुआ, आँखों पर जोर कम पड़ा, अनिद्रता की उसकी जो दिक्कत है वो कम हुई। हमें आगे आना है, हमें इस सोच को बदलना है कि आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते। महाराज आप पढ़ते हैं? सबसे पहले अपने को पूछिए, अगर खुद पढ़ते हैं तभी जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कभी उनके हाथ में भी तो एक कॉमिक्स थमा कर देखिए, पढ़ते नहीं पढ़ते अलटते पलटते कभी ना कभी उनको रुचि आएगी पढ़ने के लिए। राजेश भैया से हम इस बारे में पता करेंगे, पहले कॉमिक्सों के दाम जो होते थे 5 रुपये 6 रुपये, अरे हमने तो आपके पास से 8 अन्नी की भी कॉमिक्स खरीदी हैं, जो रद्दी के भाव हो जाती थी, आप इतना उसको पढ़वा लेते थे। तो लाइब्रेरी सिस्टम जब आप चलाया करते थे, उसमें आप कैसे लाइब्रेरी सिस्टम चलाते थे? आपके यहाँ जो बच्चे कॉमिक्स पढ़ने आते थे, वो आप मतलब वो एक लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में हम थोड़ा पता करना चाहेंगे, क्योंकि
हम जो है ये लाइब्रेरी सिस्टम को दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दोबारा जो है मार्केट में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा 250 रुपये की कॉमिक्स नहीं पढ़ सकता, ये हम भी समझते हैं, लेकिन एक बंदा 20 रुपये दे के कॉमिक्स पढ़ सकता है किराए पर, हमें ये भी पता करना है। तो राजेश भैया बताएंगे अपने लाइब्रेरी सिस्टम के बारे में, आइए पता करते हैं इनका राज। हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी सिस्टम हमेशा से रहा है मुझे दादा, लेकिन क्या कहते हैं अब वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा कारण यही मोबाइल है। देखिए बार बार हर जगह मोबाइल ही आ जाता है। 100 बात की एक बात। अब जो है दुनिया मोबाइल बन चुकी है, लेकिन मोबाइल से मैनुअल पर भी हमें ध्यान देना है। तो आप जो लाइब्रेरी सिस्टम चलाते थे एक कस्टमर के लिए, क्या आप उसके लिए अलग खाता बनाते थे? हाँ, एकदम बनाते थे। आज भी है वो मेरे पास, आज भी कस्टमर हमारे कुछ हैं जो लाइब्रेरी सिस्टम में पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि आपका अगर 100 रुपये का चीज़ है तो उसमें हम 20 रुपये में आपको कर देते हैं, 20 रुपये में आप 2-3 दिन में हमको पढ़ के दे दीजिए। इस तरह हमको भी कुछ पैसा अर्न हो जाता है। जो कस्टमर मान लीजिए ये सोचता है कि 100 रुपये का चीज़ खरीद के हम पढ़ेंगे फेंक देंगे बेकार हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो बेकार हो जाएगा उनके लिए, लेकिन हमारे दुकान पे आएगा तो हम उसको 5 लोगों को पढ़ाएंगे तो सबका 20-20 रुपये डिवाइड हो जाएगा, सबके पास पैसे का बचत हो जाएगा। एकदम मेरे पास आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं उस चीज़ को इस तरीके से। तो दोस्तों दोबारा खुल गई है लाइब्रेरी गणेश बुक स्टॉल में, आप जो है जल्द से जल्द राजेश भैया से संपर्क करिए और जो है कॉमिक्सों का आनंद लीजिए। हमने जो है कॉमिक्स फिलहाल रखवा दी हैं राजेश भैया के पास, और भी बहुत सारी प्रकाशन की कॉमिक्स हम लोग जो है राजेश भैया को मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये छोटी सी पहल भारतीय कॉमिक्स की ओर। राजेश भैया से हमारा आखिरी सवाल है, भारतीय कॉमिक्स उद्योग के प्रति अगर इनका कोई सुझाव है, चाहे वो प्रकाशकों के लिए है, चाहे वो विक्रेताओं के लिए है, या चाहे वो पाठकों के लिए है। हमने पाठकों के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं राजेश भैया, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको खुद को पहले पढ़ना है और बच्चों को प्रोत्साहित करना है। हम चाहते हैं आप जो भारतीय कॉमिक्स उद्योग है इसके लिए अगर आपका कोई भी सुझाव है किसी के भी लिए, प्लीज़ अपनी तरफ से इस बात को रखें। कॉमिक्स उद्योग जितने भी हैं भैया, सीधा सा बात एक ये है, जैसे आज का ये कॉमिक्स 300 रुपये का बाच कॉमिक्स है, नहीं ये 249 का है, 249 का जो भी है 249 का है। ये इसलिए मैं समझ सकता हूँ क्यों है, क्यों उसकी अब खरीदने वाले कम है, इसका कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये इतने का पड़ेगा। तो सबसे हमारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में बच्चों को प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें सबको कॉमिक्स में ले जाके दें, तो इसका दाम ऑलरेडी कम हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा बिकने लगता है तो उस चीज़ का दाम कम हो जाता है, वैसे ही ये सेम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि दाम ज़्यादा है तो आप मेरे पास आइए, कम पैसे में उसको पढ़ के हमको रिटर्न कर दीजिए, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा और ये कॉमिक जगत के लिए भी फायदा हो जाएगा। ये लोग फिर से चालू करेंगे, फिर से हमको भी चालू होगा, आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा, मोबाइल देखने से बचत हो जाएगा आपका। सही आपने सही कहा कि 3 घंटे अगर मोबाइल देखते हैं तो उसमें से आधा घंटा बच्चों को पढ़ने का आदत डालिए, स्कूल का किताब पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं। ये तो है, एकदम सही है दादा, आपने एकदम सही कहा। तो राजेश भैया ने जो कहा है उससे ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि सोच बदलो देश बदलेगा और कॉमिक्स उद्योग जो है भारत का वो आगे जाएगा। भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री की ओर मेरा ये छोटा सा कदम आशा करता हूँ एक बड़ा सा बदलाव लेकर आएगा, और हम राजेश भैया का आज धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, इन्होंने अपना समय दिया कॉमिक्स एंड यू सीज़न 2 को। और बहुत जल्द ही हम जो है चाहते हैं हर दुकान गली नुक्कड़ मोहल्ले में कॉमिक्स दोबारा आ जाए और हम दोबारा कॉमिक्स का वही आनंद लें, चाहे वो लाइब्रेरी सिस्टम से हो, कलेक्शन हो या कुछ भी हो। राजेश भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए कॉमिक्स एंड यू में। मिलते हैं किसी और हस्ती के साथ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।